वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के वीडियो में हम जानेंगे दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ साहिब के अंदर कौन से 52 हुक्मनामे जारी किए थे, कौन से 52 हुक्म उन्होंने सिखों के लिए लागू किए थे कि सिख को ये काम करने हैं और सिख को कौन से काम नहीं करने हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो के नीचे कमेंट करने के बाद इस वीडियो को आगे सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर करना। श्री गुरु गोविंद सिंह जी पहला हुक्मनामा बताते हैं कि धर्म की किरत करनी है, नंबर 2 दसवंध देना है, 3 गुरबाणी कंठ करनी है, 4 है कि अमृत वेले आपको जागना है, 5 है कि प्यार के साथ गुरसिखों की सेवा करनी है, 6 हुक्मनामा है कि गुरसिखों की तरफ से आपको गुरबाणी के अर्थ समझने हैं, 7 हुक्मनामा है कि 5 ककारों की रहत सहित दृढ़ रखना है, 8 हुक्मनामा है कि शब्द का अभ्यास करना है, 9 हुक्मनामा है ध्यान सत्स्वरूप सदगुरु जी का करना है, 10 अब सदगुरु किसे कहा गया है ये भी सुन लीजिए, सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही मानना है। 10वें हुक्मनामे के अंदर यह बताया गया है। 11वें हुक्मनामे के अंदर श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि सभी कार्यों के आरंभ में आपको अरदास करनी है। 12वें हुक्मनामे के अंदर गुरु जी लिखते हैं कि जन्म मरण ब्याह आनंद कार्य आदि के समय जपजी साहिब का पाठ, आनंद साहिब का पाठ और अरदास करनी है। इसके उपरांत अरदास के उपरांत कड़ा प्रसाद 5 प्यारों और हजूरी सिंगों को वर्ता कर फिर आपको संगत को वर्ताना है। 13वां हुक्मनामा है जब कढ़ा प्रसाद वर्ताया जा रहा हो वे उस समय सारी संगत अडोल बैठी रहे। 14वां हुक्मनामा है विवाह आनंद कार्य बिना गृहस्थ के नहीं करना है। 15वां हुक्मनामा है कि पराई स्त्री को माँ बहन और बेटी की नजर से जानना है। 16वां हुक्मनामा है कि स्त्री का मुंह नहीं फिटकारना है। 17वें नंबर पर लिखा है कि जगत झूठ तंबाकू भिख्या आदि का त्याग करना है। 18वां हुक्मनामा है कि रहतवान और नाम जपने वाले गुरसिखों की संगत करनी है। 19वें हुक्मनामे में गुरु जी लिखते हैं कि आपको अपने जितने काम करने हो उनको उसी समय निपटा लें, अपने काम करने के अंदर आलस नहीं करना चाहिए। 20वें हुक्मनामे के अंदर गुरु जी फरमाते हैं कि गुरबाणी की कथा और कीर्तन रोज सुनना और करना है। 21वें हुक्मनामे के अंदर गुरु जी लिखते हैं कि किसी की निंदा चुगली और ईर्ष्या नहीं करनी है। 22वें हुक्मनामे के अंदर गुरु जी लिखते हैं कि धन जवानी कुल जात पात का मान नहीं करना है। 23वें हुक्मनामे के अंदर गुरु जी लिखते हैं कि मत उच्ची और सुच्ची रखनी है। 24वां हुक्मनामा है कि शुभ काम करते रहना चाहिए। 25वां हुक्मनामा है कि बुद्धि और बल का दाता वाहेगुरु जी को मानना है। 26वें हुक्मनामे में गुरु जी लिखते हैं कि आपको कसम और सौ खाने वाले व्यक्ति के ऊपर एतबार नहीं करना है। 27वां हुक्मनामा है कि आपको स्वतंत्र विचरना है, आपको किसी की गुलामी के अधीन नहीं रहना है। 28वां हुक्मनामा है कि आपको राजनीति भी पढ़नी चाहिए। 29वां हुक्मनामा है कि आपको शत्रु के साथ साम दाम दंड भेद आदि सभी उपाय उपयोग करने के बाद ही आपको युद्ध करना आपका धर्म है, उसी के बाद आप अपना युद्ध कर सकते हैं। 30वां हुक्मनामा है कि हर एक सिख को शस्त्र विद्या और घुड़सवारी का अभ्यास भी करना आना चाहिए। 31वें हुक्मनामे के अंदर गुरु जी फरमाते हैं कि दूसरे धर्मों की पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जो दृढ़ निश्चय है वह गुरबाणी और अकाल पुरख के ऊपर ही रखना है। 32वें हुक्मनामे में गुरु जी फरमाते हैं कि गुरु जी के बताए हुए उपदेश को धारण करना है। 33वें हुक्मनामे में गुरु साहिब जी कहते हैं कि रह रास का पाठ करने के उपरांत जब आप अरदास करेंगे तो उस समय आपको खड़े होकर अरदास करनी है। 34वां हुक्मनामा है कि सोते समय आपको कीर्तन सोहेले का पाठ करके सोना है। 35वां हुक्मनामा है कि आपके केस कभी भी नंगे नहीं होने चाहिए, आपका सर हमेशा ढका रहना चाहिए। 36वां हुक्मनामा है कि जितने भी सिख हैं एक दूसरे का पूरा नाम लेकर बुलाएंगे, किसी भी सिख को आप आधा नाम लेकर या उसका कम नाम लेकर नहीं बुलाएंगे। 37वें हुक्मनामे में गुरु जी लिखते हैं कि शराब ना तो आपने पीनी है और ना ही किसी को पिलानी है और ना ही किसी प्रकार का नशा करना है। 38वें हुक्मनामे में गुरु जी लिखते हैं कि भादनी वह लड़का जिसके सर के बाल कटे हों उसको लड़की नहीं देनी है, उस घर के अंदर आपको लड़की देनी है जहाँ पर अकाल पुरख की बख्शी हुई सिक्खी हो। 39वें हुक्मनामे के अंदर गुरु जी लिखते हैं कि सभी कार्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताब्या और गुरबाणी के अनुसार ही करने हैं। 40वें हुक्मनामे के अंदर गुरु जी लिखते हैं कि चुगली कर किसी का काम नहीं बिगाड़ना है। 41वां हुक्मनामा है कि कौड़ा वचन करते समय किसी का हृदय नहीं दुखाना है। 41वें हुक्मनामे में गुरु जी लिखते हैं कि कौड़ा वचन करके आपको किसी का हृदय नहीं दुखाना है। 42वां हुक्मनामा है कि दर्शन और यात्रा केवल गुरुद्वारों की ही करनी है। 43वें हुक्मनामे में गुरु जी लिखते हैं कि आपने जो वचन किया है उस वचन को पूरा करना है।
44वें हुक्मनामे के अंदर गुरु जी लिखते हैं कि अतिथि परदेशी लोड़वंद दुखी मनुष्य की सेवा करना आपका फर्ज है। 35वें हुक्मनामे के अंदर लिखते हैं कि आपको अपनी बेटी की कमाई को पराया धन जानना है और अपनी बेटी की कमाई नहीं खानी है। 46वें हुक्मनामे के अंदर गुरु साहिब जी लिखते हैं कि आप दिखावे के सिख नहीं बनेंगे, आप अकाल पुरख के सच्चे सिख बनेंगे। 47वां हुक्मनामा यह है कि आपको अपनी सिखी केसों के साथ और अपने श्वासों के संग निभानी है, केसों को गुरु के समान अदब करना है और प्रेम करना है। गुरु जी 48वें हुक्मनामे के अंदर लिखते हैं कि चोरी नहीं करनी है, यार मार नहीं करनी है, ठगी नहीं मारनी है, धोखा नहीं करना है, दगा नहीं करना है आदि आदि। 49वें हुक्मनामे के अंदर गुरु जी लिखते हैं कि केवल गुरसिख के ऊपर एतबार करना है। 50वां हुक्मनामा गुरु जी लिखते हैं कि झूठी गवाही नहीं देनी है। 51वां हुक्मनामा गुरु जी लिखते हैं कि ना तो आपको झूठ कहना है और ना ही आपको झूठ बोलना है। 52वां हुक्मनामा गुरु जी लिखते हैं कि लंगर प्रसाद एक रस बरतावना है। दोस्तों, ये थे गुरु गोविंद सिंह जी के बताए हुए 52 हुक्मनामे।